नेमावर में बलात्कार के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर 6 घंटे के भीतर ही आरोपी के अवैध अतिक्रमण से बनी मोबाइल दुकान को बुलडोजर से धराशायी कर दिया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि नेमावर में फरियादिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ वहीं के रहने वाले मुदस्सर उर्फ मोनू अली पिता मुनव्वर अली रात्रि में उसके साथ बलात्कार कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने 6 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। शर्मा ने बताया कि आरोपी की नेमावर बस स्टैंड अवैध दुकान को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। थाना प्रभारी नेमावर को आज एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई कि मुदस्सर उर्फ मोनू अली के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया और साथ ही रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर तत्काल थाना प्रभारी नेमावर राजा राम वस्कले ने FIR दर्ज करते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया और उसे माननीय न्यायालय में पेश कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मुदस्सर उर्फ मोनू अली जो आरोपी है, उसके मोबाइल की एक दुकान है जिसका हमने नगर पंचायत CMO से सर्वे कराया तो वह अवैध अतिक्रमण में होना पाया गया, तो तत्काल प्रशासन के साथ मिलकर हमने बुलडोजर लेकर उसके दुकान को धराशायी किया। जो भी व्यक्ति इस तरह के गंभीर अपराध की धाराओं में या अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई लगातार करते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।